एप्रीहेंशन है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और हम क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में जो है बता। सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का जो वार्षिक बजट है उसको पेश किया। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो वार्षिक बजट संसद में पेश किया गया, एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है। जिस वक्त सारी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, जिस समय पूरी दुनिया में आर्थिक फाइनेंशियल डाउनफॉल चल रहा है, ऐसे दौर में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देखरेख में जो वार्षिक बजट पेश किया है वो आम जनमानस का बजट है। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 35,581 करोड़ रुपए का आवंटन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के संदर्भ में जम्मू कश्मीर को एक भारी भरकम फंड्स का एलोकेशन इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया गया है, जिसके चलते जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे रोडवेज के प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, रूरल डेवलपमेंट के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हो, उनमें केंद्र सरकार ने इस बजट में जो फंड्स का प्रावधान किया है उससे जम्मू कश्मीर के विकास को और गति मिलेगी, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारी देश के यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का कि जिस तरह कोरोना काल में हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया और 2023-24 के लिए भी एक वर्ष और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से ये फ्री राशन की योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे देश के 80 करोड़ लोगों को, जिसमें जम्मू कश्मीर के गरीब लोग भी शामिल हैं, जिसमें प्रायोरिटी हाउसहोल्ड हैं और जो अंत्योदय योजना के तहत जिनको जो फाल करते हैं, उन सबको इस फ्री राशन स्कीम से बहुत लाभ होगा। वहीं हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो गांव गांव के अंदर गरीब लोगों के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का एक बड़ा संकल्प लिया था, हर गरीब को घर, उसके चलते
वर्ष 2023-24 में 79,000 करोड़ रुपीस का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के फंड्स एलोकेशन का 66% उसमें राइज है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो गांव गांव में गरीब लोगों के घर बनाने का संकल्प मोदी साहब ने लिया है, उसको और गति देने के लिए, पूरा करने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान प्रोविजन हमारी वित्त मंत्री देश की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जिसके लिए हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होने वाली राशि को बढ़ा दिया गया, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज का विषय हो या युवाओं के विषय हो, नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, जो कि मोदी जी ने एक उनका एक विजन था देश के नौजवानों के लिए, स्टार्टअप्स जिसके माध्यम से नौजवानों ने, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कई जगहों पर अलग अलग काम खोले, स्वरोजगार जिससे तैयार हुआ, ये मोदी सरकार ने इस बजट में भी इन सभी प्रोविजंस को रखा है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो 30 इंटरनेशनल 136 इंटरनेशनल लेवल के जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमारे देश में तैयार होंगे, और आप खुद सोच सकते हैं कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो नौजवान हैं, जो यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद, इन सेंटर से ट्रेन होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर वो जो है उनकी काबिलियत बढ़ेगी और वो देश विदेश में नौकरी पाने की क्षमता हासिल करेंगे। इसी प्रकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 33% बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहां नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होगा, वहीं रोजगार के बड़े पैमाने पर साधन उपलब्ध होंगे, रिक्रूटमेंट्स, जो नौजवानों को जॉब्स की अवेलेबिलिटी होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने लाजवाब बजट, इस मुश्किल तरीन हालात में जब दुनिया आर्थिक दृष्टि से दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस गिर रही हैं, भारत 10वें स्थान से 5वें स्थान के ऊपर आया है, दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी भारत उभर कर सामने आ रहा है, और वहीं अगर आप देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र में भी लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए उनका आवंटन किया गया है। भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो, भारत का रक्षा तंत्र और मजबूत हो, हमेशा मोदी सरकार ने हर बजट में ये जो डिफेंस का क्षेत्र है इसके लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं, और इस बार भी 6,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट है। ये जो देश के सामने चैलेंजेस हैं, इनको देखते हुए किया गया है। देश के जितने भी बड़े बड़े
रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये मानना है कि डिफेंस बजट में जो मोदी साहब ने उसमें भी वृद्धि की है, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी सेनाओं को, सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यकीनन होगा। और वहीं आप देखेंगे जो हमारे अग्निवीर्स, जो कि सेना ने एक योजना लाई है भर्ती की, उनको किसी भी प्रकार के टैक्स एम्बिट से बाहर रखा गया है, चाहे सर्विस के दौरान उन्हें जो मासिक वेतन मिलेगा या जब वो अपनी सेवाएं देने के बाद घर आएंगे, और जो सरकार की तरफ से उन्हें राशि उनकी सेवाओं के लिए दी जाएगी वो भी टैक्स फ्री होगी। और सबसे बड़ी राहत जिसका चारों तरफ जबरदस्त वेलकम हो रहा है, जो इनकम टैक्स रिबेट जिसकी स्लैब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दी गई है, 7 लाख रुपए तक के आमदनी वाले सरकारी जो मुलाजिम हैं वो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। अगर आप रेलवे सेक्टर में देखेंगे, लगातार रेल कनेक्टिविटीज बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देख रहे हैं लगातार जम्मू से श्रीनगर और बारामूला से कुपवाड़ा तक के रेल लिंक्स हो, उनमें भी फंड्स की एलोकेशंस रखी गई है और काम को और स्पीड अप करने की बात हो रही है। बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार ने हमेशा बहुत ध्यान दिया है, और बॉर्डर एरियाज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर इस बजट में काफी प्रोविजन किए गए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सेक्टर में एकलव्य मॉडल स्कूल्स हो या जो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल्स हो, उनमें भी एक बड़ा फंड्स का एलोकेशन मोदी सरकार ने किया है, ताकि गांव हो शहर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश के अंदर मजबूत की जाएं। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने प्रयास किया है। ट्राइबल्स जो हमारे जनजातीय लोग पहाड़ों में, दूर दराज के क्षेत्र में, बैकवर्ड एरियाज में, ऐसे सेक्शन के लिए, ट्राइबल्स के लिए स्कूल्स हो या उन क्षेत्रों की डेवलपमेंट्स के लिए सरकार ने इस बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। और मुझे और वहीं हमारी जो मातृशक्ति महिलाएं हैं, मोदी सरकार ने हमेशा मातृशक्ति के प्रति आह्वान किया समाज से, महिला सशक्तिकरण, वो सब विषय इस बजट के अंदर स्पष्ट रूप से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखे हैं। हमें विश्वास है कि मोदी सरकार का ये जो वर्ष 2023-24 का बजट है, आम जनमानस के लिए बहुत लाभकारी बजट है। गांव गांव के अंदर आप देखेंगे जो पंचायती राज सशक्तिकरण है, पंचायतों के अंदर जो डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो फंड्स के प्रोविजन किए गए हैं, रूरल कनेक्टिविटी, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बड़े पैमाने पर इन सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा लगातार जारी है, और इन बजट्स में भी इन सब योजनाओं के लिए विशेष फंड्स आवंटित किए गए हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जो उन्होंने सबका साथ
सबका विकास सबका विश्वास इस मूल मिशन के साथ काम किया और ये सारी चीजें बजट के अंदर स्पष्टता से हमें नजर आई। पूरा देश बड़ी उत्सुकता के साथ इस पूरे बजट पर ध्यान लगाए टकटकी लगाए बैठा था और जो जो बेस्ट पॉसिबल इन कंडीशंस में हो सकता था वो मोदी साहब ने किया है। आप दुनिया के बाकी देशों के अंदर अगर जो वहां के जो फाइनेंशियल जो वहां के डिसीजंस लिए गए हैं वो देखेंगे तो इंग्लैंड जैसे देश ने अमेरिका जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने बड़े कठिन डिसीजन लिए। यहां एक तरफ आर्थिक मंदी कोरोना के बाद और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद बहुत बड़ा निर्णय इस बजट के माध्यम से लेकर मोदी सरकार ने देशवासियों की भलाई का बहुत बड़ा काम किया है। लघु उद्योग जो गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग हैं या जिसका मैंने जिक्र किया स्टार्टअप्स, उस पर भी विशेष ध्यान मोदी सरकार का इस बजट में रहा है और ये एक बेहतरीन बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और हमें विश्वास है इस बजट से यहां पूरे देश में आर्थिक दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी जैसे हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने लगातार डिबेट्स की हैं। सबका एक मानना है कि इस बजट ये देश को गति देने वाला बजट है और ये केवल एक साल को ध्यान में रखते हुए नहीं, ये जैसे मोदी साहब ने कहा था अब हमको 2047 तक सोचना है जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। एक लॉन्ग टर्म बजट किस तरीके से आने वाले 25-30 साल में देश की दिशा और दशा किस ओर जाएगी इस चीज को दर्शाता हुआ ये बजट है और हमें विश्वास है कि यहां पूरा देश इस बजट से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस बजट से और जो स्पेशल ग्रांट्स जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की रही है जो सेंट्रल शेयर 35,581 करोड़ जो कि पिछले साल से भी 936 करोड़ अधिक, तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहां देश के अंदर हर सेक्टर में अच्छी खासी तादाद में फंड्स का एलोकेशन करके डेवलपमेंट को गति दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। जम्मू कश्मीर के गरीब मजदूर किसान छोटे व्यापारी नौजवान महिलाएं पुरुष सरकारी मुलाजम लीव एनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। इन सब ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम हृदय से 156 नर्सिंग कॉलेजेस जिसका मैंने जिक्र किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी साहब ने और स्कूल एजुकेशन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स 136 डेवलप करने की बात हो रही है। तो हर प्रकार से मोदी साहब ने इस बजट के अंदर वो सारे प्रयास करके जहां आम जनमानस के जीवन में और सुधार हो उसके लिए प्रयास है, वहीं हमारे नौजवानों को और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर
विकास की इस नई गति के साथ आगे बढ़ने का एक मौका और एक अवसर मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से दिया है, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आवास योजना की आप बात कर रहे हैं, एक तरफा जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है उसमें एक स्टेटमेंट जो वो भी निकल कर आ रही है आपके किताब नेता जिनकी तरफ से दी जा रही है, क्या उस पर कोई अमली जामा पहनाया जा रहा है? और लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पार्टी हमें रेगुलराइज करेगी हम उसका झंडा उठाने को तैयार। इसी के साथ ऐड करूंगा जिसका इन्होंने जिक्र किया कि आवास योजना के लिए बहुत बड़ा फंड रखा गया, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को उस आवास योजना का बेनिफिट मिलता है? क्योंकि ज्यादा लोगों के पास तो मालिकाना हक ही नहीं है। यहां तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश की है कि जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, किसी के पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले उस जमीन का एक हिस्सा है, और ये छोटा सा अगर कोई किसी के पास जमीन का कोई हिस्सा है और उससे उसकी जीविका चलती है, वो मेहनत करके अपना जीवन का गुजर बसर करता है, उसको किसी प्रकार से नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है, किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी मजदूर आदमी को या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वाले को इस ये जो जमीनों से गैर कानूनी तरीके से कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसमें गरीब मजदूर किसान को तंग नहीं किया जाएगा कहीं भी। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज किया, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना तो उसने अपनी पावर का मिसयूज करके अपने नाम से सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जा कर ली, वो जमीन खाली होनी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर बना तो उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन, घास चराई जमीन पर कब्जे जमाए, वो कब्जे हटने चाहिए। अगर कोई सरकारी बाबू है, कोई आईएएस, आईपीएस, जेकेएएस, केपीएस पुलिस के ऑफिसर हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बाबू लोग रहे हो, इन्होंने अगर गलत तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करके अगर सरकारी जमीन या घास चराई की जमीन कहीं कब्जा की है, उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। या कोई किसी लैंड माफिया ने गोरख धंधा करके गलत तरीके से काम किया तो उन गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ तो बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो आम जनमानस है, वो गरीब है, गांव का है या शहर का है, मजदूर है या किसान है, आम जनमानस, उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये विषय रखा है, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है कि बहुत जल्द एक पॉलिसी हम लाएंगे ताकि जो आम जनमानस है उनके पास अगर थोड़ी थोड़ी जमीन है तो उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए उनके नाम, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। कानून के हमारे बड़े दो बहुत ही वरिष्ठ
अधिवक्ता एडवोकेट्स हमारे बीच में बैठे हैं, राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारा एक मानना है, सुनिए, किसी गरीब को अगर कहीं कोई नोटिस आया है, कहीं गरीब के साथ कहीं कोई इनजस्टिस अभी हुआ, उसकी जानकारी आप हमें दीजिए। एलसी साहब ने खुद कहा है अगर कहीं कोई तहसीलदार, कोई पटवारी या हरदावर या कोई और रेवेन्यू का अधिकारी अगर किसी भी प्रकार से किसी गरीब आदमी को तंग करता है तो ऐसे जो रेवेन्यू का ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने कहा है। रैना साहब, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन कर रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक लाभ होगा आपको आने वाले चुनाव में? देखिए, मैंने पहले कहा सत्ता में रहते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े जो राजनेता रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, मिनिस्टर्स रहे, या जो बाबू लोग हैं, वो चाहे आईएएस अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो, सर्विसेज के अधिकारी, या जो पुलिस के अधिकारी, अगर कहीं गलत तरीके से किसी ने अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल किया और अपनी पोजीशंस के माध्यम से इन्फ्लुएंस करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, वो तो हटना चाहिए। और अगर किसी ने बहुत बड़े लैंड माफिया ने गोरख धंधे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है, ये जो गोरख धंधे हुए, चाहे बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स अगर कहीं उन्होंने जमीन घेरी, या जो सरकारी बाबू लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने घेरी, जिन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की, ऐसे पटवारी, गरदावर, तहसीलदार और डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत तरीके से ये जानते हुए कि ये स्टेट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है, ये घास चराई की लैंड है, उसके फरद काटे, उसमें कैसे रेवेन्यू एंट्रीज हुई। कानून तो आज का नहीं है, ये तो 40-50 साल पुराना कानून है। सर, बठिंडी सिंधवा से हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, जहां पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। सर, सियासी रोटियां सेकी जा रही है, सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पहुंच रही हैं, सियासी रोटियां सेकी जा रही है, क्या आप जाएंगे? रैना सर, सवाल मेरा, आपने कहा जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी अगर किसी गरीब जनता पर उन्हें परेशान करता तो उन पर कार्रवाई होगी, वो तो अपना वो तो आदेश मान रहे हैं ना, सरकार का जो आदेश आया कि 100% जो भी जमीन है, चाहे वो घास कराई हो, रोशनी लैंड हो या स्टेट लैंड हो, उन्हें ट्रीट करना, तो क्यों ना एक आदेश निकाला जाता कि गरीब लोगों पर नाशी कर जाता। रैना साहब, जो अपोजिशन पार्टीज है उनका यही मानना है कि ये जो स्लैब आई है, जो यूनियन बजट का पेश हुआ है, ये 8-9 साल से वही सेम रिपीट होता जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स लैब को लेकर तो चेंजेस आई है, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि ये एक एजेंडा है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाली है, उसका भी एक फोकस रहेगा इसमें। देखिए, यहाँ तक बात है, ये जो इस वक्त मार ले, ये जो जमीनों जो गैर कानूनी तरीके से अगर किसी के पास है, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है। रैना साहब, आप इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, मैंने पहले कहा, जिन सियासतदानों ने या जिन सरकारी बाबूज ने या पुलिस अधिकारियों ने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो तुरंत
खाली होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम गरीब मजदूर किसान है उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि आम गरीब मजदूर किसान को, आम मिडिल मैन को नहीं छेड़ा जाएगा। कुछ सियासी लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग जिन्होंने खुद हजारों कनाल जमीन कब्जा की है, वो गरीब लोगों को डरा रहे हैं। वो गरीब लोगों को डराकर लोगों को रैलीज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, धरने के लिए उकसा रहे हैं। सर आप वहां जाएंगे एड्रेस करने उनको? आप वहां जाएंगे? लोगों से बात करनी चाहिए। मैं आपको फिर क्लियर करता हूं, मैं सिंधवा के लोग बैठे हैं, मैं आपको ये बात फिर क्लियर करता हूं, मैं फिर इस बात को क्लियर करता हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद इस बात को कहा है कि किसी गरीब आदमी के साथ कोई तहसीलदार, पटवारी, गर्दावर छेड़खानी नहीं करेगा, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा। देखिए स्वयं मीडिया के सामने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला, ये मीडिया के सामने नहीं, आपके सामने बोला ना, हमारे सामने नहीं कहा। अभी तक किसी भी गरीब मजदूर किसान को नोटिस नहीं आया। अगर कहीं आया है तो आप हमारे संज्ञान में लाओ। आपके पूछ में, आपके रजौरी में करने जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं सर। लोगों को नोटिस जा रहे हैं, नोटिस जा रहे हैं, बाइडेन जा रहे हैं ना, तो वो भी वर्बली कर देते हैं कि देखिए जी ये मरले में आती है, तो ये आधे मरले में नितिन शर्मा की दुकान है सिद्रा में, उसको भी नोटिस गया है। गरीब का पैरामीटर क्या है आपकी नजर से? गरीब का पैरामीटर क्या है? आप किसको मानते हैं कि वो गरीब है और उसको छेड़ना नहीं चाहिए? वही अपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि इस बार बजट आया है, मैडम जी सवाल पर जवाब दे दे, यही उन्हें मानना है, गरीब है उसे और गरीब करते हैं। मेरे सवाल पर गरीब का पैरामीटर पहले बोलिए उसका, आपकी नजरों में गरीब कौन है? आम जनमानस, मैंने ये कहा अगर कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कितनी जगह तक, कितनी जगह? आम जनमानस का हाल तो ये है कि बाबू लोगों ने जो पेंशन आती थी बुजुर्गों की, उसे बंद कर दिया डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे। बुजुर्ग अब लाइन में कतार में खड़े होने को मजबूर है, बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है फॉर्मेलिटी के नाम पे। सर गरीब जो उन्होंने सवाल पूछा कि गरीब कौन है, कितने मरले वाला गरीब है, कितना वाला अमीर है? रैना साहब मैम एक सेकंड, सवाल का जवाब तो देने दो। सर आपकी नजर में गरीब कितने मरले वाले, कितनी जमीन है? और एलजी साहब ने आपको बताया होगा उनके नजर में गरीब कौन है, उनके कोई पैरामीटर बता दो। जिसके पास स्वतः अपने पूर्वजों की थोड़ी जमीन है वो इस एम्बिट में नहीं आना चाहिए, लेकिन जिसने लालच के चक्कर में कब्जा किया है वो तो हटना चाहिए। रैना साहब एक आखिरी सवाल, 15 मरले का मुजफ्फर हुसैन ने ओपनली कह दिया कि जो भी ऑफिसर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल हैं हम उनको देख लेंगे आने वाले टाइम में जब हमारा समय आएगा। देखिए ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, देखिए ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर तो निकाला नहीं, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच फैसला आया, उसके बाद डबल बेंच का फैसला, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। आज अगर एलजी साहब को भी इसमें कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है तो वो जो हमारे वरिष्ठ कानून के दानिश्वर हैं, जो हमारे लॉ सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, उनके साथ बैठ के इस पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये कोई सरकारी किसी बाबू का फैसला नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला। रियान साहब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि साफ तौर पर कहा रियान साहब एक सेठी जी आखिरी दिन है, सुनील सेठी जी एडवोकेट साहब हमारे बीच में हैं, अभिनव जी इनमें से अगर कोई सवाल लेना चाहे। रियान साहब आपसे एक आखिरी सवाल कि एक तरफ जब चुनाव की घोषणा होने लगी कि चुनाव शायद जम्मू कश्मीर में होंगे, दूसरी तरफ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी से कोई छेड़खानी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में नहीं की जाएगी, लेकिन जिन्होंने घोटाला घपलाबाजी की है, जिन्होंने
अपनी पावर का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम गरीब मजदूर किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप मुलाकात करने वाले हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पैरामीटर तय किए जाए, पैरामीटर्स बहुत जल्दी हमने भी कहा है। आप मुलाकात करने जा रहे हैं? हम यकीनन गरीबों की पेंशन का मामला उठाएंगे उनके सामने, जो बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है। गरीब आप गरीबों की बात करें ना, गरीबों के बारे में, तो वो भी गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन रोकी जा रही है। पेंशन को बंद कर दिया गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।